हेलो फ्रेंड्स, मेरे संक्रांति के इस व्लॉग में आपका स्वागत है। हम मुंबई सेंट्रल से नवसारी गए थे और सुबह में ही आशापुरा माता की के मंदिर में गए थे। ये मनोरम्य मूर्ति आशापुरा माँ की, उनको पैर और प्रणाम करके हमने पतंग जगाने की शुरुआत की सुबह 8:30 बजे से ही। और ये दिख रहा है सामने जो दो क्रेन, वो है बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन होने वाला ब्रिज, जो अभी इस समय कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये वाइड एंगल में नवसारी के बिल्डिंगों का व्यू है। इस व्लॉग में पतंग चगाते हुए और आसपास का जो माहौल था नवसारी में, उसको मैंने कवर किया हुआ है। हम जिस टेरेस पे थे बिल्डिंग के, वो 5 फ्लोर का बिल्डिंग था, 5 माले का। और आसपास भी बहुत सारी सेम लेवल की बिल्डिंग्स थी, हवा भी अच्छी थी। पतंग चगाने में इतनी अच्छी मज़ा आती है, जिन्हें पतंग चगाने का शौक़ है उनके लिए नवसारी यानी एक बेस्ट प्लेस, जहाँ से वो पतंग उड़ा भी सकते हैं, किसी के काट भी सकते हैं। बहुत एक अच्छा सा माहौल वहाँ पर रहता है, उसका मज़ा ले सकते हैं। ये जो दो दूर क्रेन दिख रहे हैं, वो नवसारी के हाईवे की उस तरफ है जहां पे बुलेट ट्रेन का ब्रिज बन रहा है। मैंने पूरे वीडियो में, पूरे व्लॉग में सारे पहलुओं को कवर किया है कि संक्रांति में क्या क्या होता है। तो जिन्हें पतंग का शौक है वो इस वीडियो को जरूर देखें और अपनी पुरानी यादों को ताजा करें। सूर्योदय से सूर्यास्त तक हम पूरे दिन टेरेस पे थे, बीच में लंच के लिए नीचे उतरे थे, और वो भी हम लंच करने गए थे उम्बाड़ियों खाने। तो उम्बाड़ियों का भी वीडियो मैंने पहले अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी, इसके पहले वाले। पतंग चगाना यानी पतंग चगाना यानी मेरे लिए एक मेडिटेशन जैसा है। पूरा मन शरीर पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ, और ये सूर्यास्त सनसेट का समय। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और नवसारी में आपके कोई फ्रेंड रहते हो तो उनके साथ जरूर शेयर करना। मेरे इस वीडियो में मेरे साथ थे नितेश खत्री और जगदीश सोलंकी, मेरे कजिन। हम तीनों ने पूरा दिन संक्रांति का एक अच्छा सा लुफ्त लिया। चलिए, गुड बाय, टेक केयर। मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना।